नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। मुजफ्फरनगर के मीरपुर क्षेत्र से भाजपा विधायक अवतार सिंह भराना ने बुधवार सुबह आरएलडी के चीफ जयंती चौधरी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है और ये अपने आप में तहलका मचाता नजर आ रहा है। अवतार सिंह भराना भाजपा पार्टी को छोड़कर अपना दामन किसी और रंग में शामिल होने का मन बना लिया। कारण चाहे जो हो, परंतु इसका असर भाजपा पर गहरा पड़ने वाला है, क्योंकि अवतार सिंह भराना 4 बार सांसद भी रह चुके हैं, इसलिए राजनीति पर उनकी अच्छी पकड़ है। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही पार्टी के बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब यह भूचाल कब थमेगा पता नहीं, मगर भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ अन्य 3 विधायकों ने भी इससे पूर्व इस्तीफा सौंपा। इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा, मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे पूरी तरह संभालने की कोशिश करेंगे। जो दल छोड़ गया उसकी वापसी भले ही असंभव हो, मगर अन्य विधायकों को दल से बिखरने न देने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी अपनी अपनी पार्टी को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। देखना है कि इस बार सफलता किसके हाथ लगेगी और ऊंट किस करवट बैठेगी। मगर राजनीति भी अजीब चीज है, जहां अधिकांशतः लोग एक दल में तमाम उम्र टिकते नहीं, एक दल और एक बल ही सफलता की कुंजी है। बहुत जरूरी है अपने दल की एकता, कारण चाहे जो हो, मगर चंद विधायक के इस्तीफे से कुछ देर के लिए पार्टी कमजोर पड़ जाती है। पार्टी चाहे जिसकी भी हो, मगर फिर पूरी तरह ताकतवर बनकर निखरती है। इसलिए हर पार्टी के विधायकों को अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए सोचना अनिवार्य है, जो आप पर भरोसा करके आपको चुनती है। विधायकगण ऐसे ही पार्टी बदलते रहेंगे तो जनता क्या करेगी, यह सोच का विषय है।